स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं मोटो जी फाइव एस ओरियो अपडेट की। तो ओरियो अपडेट कब तक आ पाएगा और क्या रीज़न है कि वो ओरियो अपडेट नहीं लॉन्च कर रहे हैं? फर्स्ट रीज़न ये है कि आपने देखा होगा G6 का अनाउंसमेंट हो चुका है, मोटो G6 का, और वो लॉन्च होने वाला है जून तक या फिर एक किसी नेक्स्ट बिग टेक इवेंट के अंदर। और बताना चाहूँगा कि शायद हो सकता है कि वो इसलिए भी डिले कर रहे हों कि वो ओरियो के साथ एक नया फ़ोन लॉन्च कर देंगे और लोग वो बाय करेंगे, पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि हो सकता है वो अभी भी सॉफ्टवेयर टिंकरिंग कर रहे हों। अगर आपने ओरियो का कस्टम रोम इंस्टॉल किया है, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड ने उनका फ़ोन रूट करके एक नया कस्टम रोम इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अब उनका फ़ोन एक हॉट तवे की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि उनका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, कोई कस्टम रोम इंस्टॉल ना करें, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर टिंकरिंग करके या फिर उस वो सॉफ्टवेयर स्टेबल नहीं है तो आपका ही नुकसान होने वाला है। और तीसरा रीज़न ये है कि लेनोवो को आपने देखा होगा कि कोई भी नया फ़ोन लेनोवो ने लॉन्च नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मोटोरोला को ख़रीदने के बाद मोटोरोला लेनोवो से ज़्यादा चल रहा है, और इसलिए शायद मोटोरोला एक स्पेस दे रहा है लेनोवो को कि वो उनका नया जो एक डिवाइस है वो ओरियो के साथ लॉन्च कर दें। ये भी हो सकता है, इसकी भी पूरी गुंजाइश है। और बताना चाहूँगा कि यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, अभी और भी कुछ डिवाइसेज जो कि लॉन्च होने वाले हैं ओरियो के साथ। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए वेट ही करना होगा और रूट ना करें आपका फ़ोन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ये है फोर्जा होराइजन 3 का गेम प्ले। तो आपका धन्यवाद, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।